हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज घोषित किया है। हमें इस पैकेज का लाभ उठाना है, अपने सभी संसाधनों का सदुपयोग करना होगा। मुख्यमंत्री ने ये बात हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद एवं स्वदेशी स्वावलंबन न्यास द्वारा चलाए जा रहे आत्मनिर्भर हरियाणा कार्यक्रम से जुड़ी एक बैठक में कही। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने बुधवार को हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद एवं स्वदेशी स्वावलंबन न्यास द्वारा चलाए जा रहे आत्मनिर्भर हरियाणा कार्यक्रम से जुड़ी एक बैठक में कहा कि प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत का विजन देश के सामने रखा है। ये विजन स्लोगन मात्र न होकर एक बड़ा लक्ष्य है जिसका क्षेत्र भी व्यापक है। उन्होंने कहा कि उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा प्रदेश के सभी 22 जिलों में उनकी विशेषता के अनुरूप 22 क्लस्टर्स बनाने की घोषणा की गई है। इसलिए इस कार्यक्रम से जुड़े पक्षों को कृषि और उद्योग से संबंधित योजना बनाते समय इन विभागों के साथ भी समन्वय स्थापित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर हरियाणा के तहत योजनाएं बनाते समय कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले युवाओं के साथ साथ पढ़ाई पूरी कर चुके ऐसे नौजवानों पर भी फोकस करना जरूरी है जो अब तक अपने पैरों पर नहीं खड़े। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई सक्षम युवा योजना काम की तलाश करने वाले युवाओं के लिए एक बेहतरीन योजना है। इसके तहत युवाओं को हर महीने 100 घंटे काम के बदले 9000 रुपए मानदेय दिया जाता है। सीएम ने कहा कि इस योजना के तहत लगभग 2 लाख युवाओं ने अपना पंजीकरण करवाया है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम से जुड़े पदाधिकारी योजनाओं को अमली जमा पहनाते समय सक्षम युवाओं का डाटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सीएम के मुताबिक यूनिवर्सिटीज को अपने यहाँ एक एलुमिनी सेल भी बनाना चाहिए। इनमें 2 वर्ग बनाए जाएं, एक वर्ग में ऐसे लोगों को शामिल किया जाए जो आत्मनिर्भर बन चुके हैं जबकि दूसरे में उन लोगों को शामिल किया जाए जो अभी तक अपने पैरों पर नहीं खड़े हो पाए हैं। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार ने परिवार पहचान पत्र के नाम से एक बड़ा कार्यक्रम किया था। इस कार्यक्रम के तहत हर नागरिक और हर परिवार का डेटा जुटाया जा रहा है जिसका इस्तेमाल लोगों की जरूरत के हिसाब से योजनाएं बनाने के लिए किया जाएगा। टोटल न्यूज़ के लिए चंडीगढ़ से अनिल कुमार की रिपोर्ट।